नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, हमारे पास लोटस के 3 टब हैं जिसमें से एक सीड के द्वारा ग्रो किया हुआ है और एक लोकल तालाब से लिया हुआ ट्यूबर से ग्रो किया हुआ है। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने ऑनलाइन हाइब्रिड वाला ट्यूबर ग्रो कर रखा है जो इन तीनों टबों में सबसे अच्छा इस समय चल रहा है। दोस्तों, ये वाला जो आप लोटस देख रहे हैं ये तालाब से लाया हुआ ट्यूबर है और इसमें देखिए कितना ज़्यादा बीड इसमें उग गया है। तो दोस्तों, बीड को बहुत ज़्यादा साफ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें इस प्रकार के जो पत्ते सड़े गले हैं इनको आपको साफ़ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लावरिंग के लिए इसको बूस्टर डोज कैसे दे सकते हैं और बूस्टर डोज में कौन कौन सी खाद दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, इस प्रकार से आप पूरे लोटस को क्लीन कर सकते हैं और जितने भी सड़े गले पत्ते हैं इनको आप अपने हाथ से उठा दें। दोस्तों, ये छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं हमारे हाथ में ये स्पायरोवायरा है और डक बीड है। दोस्तों, स्पायरोवायरा भी जरूरी होता है और डक बीड भी जरूरी होता है क्योंकि गर्मियों में ये डायरेक्ट सनलाइट को घुसने से बचाता है, इससे कि आपका टब गर्म नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार से हाथ से अंदर डाल डाल के आप स्पायरोवायरा को निकाल सकते हैं जिससे कि आपका लोटस का जो टब है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और टाइम टू टाइम इसका पानी चेंज करते रहें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इसका पानी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से टोटी में पाइप लगा देना है और टोटी को इस प्रकार से खोल देना है। दोस्तों, ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि पाइप में वाटर करंट बन जाए, क्योंकि जो भी हम इसको फीड देने वाले हैं वो तभी दे पाएंगे जब इसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाएगा। इससे ये होगा कि आपका पानी जो है वो चेंज भी हो जाएगा और इस प्रकार से वाटर करंट बन जाता है। तो आप साइड में यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है इसमें डिस्पोजल वाला ग्लास डाल रखा है, उसमें आपको इसको डाल देना है। अच्छे से डाल दें जैसे कि निकले ना, और फिर उसके बाद में आपको जो दूसरा वाला सिरा है उस सिरे को निकाल देना है और बहुत अच्छी तरीके से आपको चेक कर लेना है कि सही से पाइप के अंदर ये डिस्पोजल पड़ गया है या नहीं पड़ गया है। इसके बाद में आप इस टैप को यहाँ पर से बंद कर दें और बंद करने के बाद में आप इसको अपनी नाली के किनारे इस प्रकार से डाल दें जिससे कि आप देखेंगे कि सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। दोस्तों, हमने लोटस को कैसे क्लीन करते हैं इस पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, कृपया हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। हमने बहुत सारे लोटस के वीडियो बनाए हैं और इनमें हर एक वीडियो में अलग प्रकार की जानकारी है। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको NPK ले लेना है। अगर आपके पास DAP है तो आप DAP भी ले सकते हैं। हमारे पास जो NPK है ये 19-19-19 वाला NPK है और इसकी कम से कम 2 पुड़ियाँ आपको बनानी है। एक टब में कम से कम 2 पुड़ियाँ आपको बनानी है। अगर आपके पास 2 टब हैं तो 4 बनानी है, 3 टब हैं तो 6 बनानी है। इतनी ही मात्रा आपको NPK के दानों की रखनी है, ज़्यादा मात्रा आपको नहीं रखनी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा अगर आप रख देते हैं और मात्रा का ज़्यादा हो जाती है तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, ये वाला जो है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये भी NPK को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये हमने बनाना के पील से बनाया हुआ है, इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, जो आपने NPK लिया हुआ है इसमें थोड़ा सा इस वाले को इसकी पुड़िया अलग बना लेनी है और NPK में थोड़ा सा आपको मिला लेना है साफ, माने एंटी फंगल मिला लेना है, क्योंकि इस समय लोटस के ट्यूबर में एंटी फंगस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। इसलिए फंगस बचाने के लिए आपको साथ साथ में इसमें हरे रंग का जो पाउडर आप देख रहे हैं ये साफ है, माने कॉन्टेक्ट और फंजीसाइड है, जिससे कि अगर आपके लोटस में किसी प्रकार का कोई भी अगर फंगस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और इस प्रकार से 4 पुड़ियाँ आपको बना लेनी है और एक टब में दोनों पुड़ियों को डाल देना है। दोस्तों, पुड़ियाँ जो हैं वो आपको अखबार बनानी है, माने ऐसा अखबार आपको लेना है, ऐसा कागज लेना है जो कुछ समय पश्चात पानी के अंदर जाकर के सड़ जाए। इससे एक क्या होगा कि धीरे धीरे जो एंटी फंगल है वो भी धीरे धीरे रिलीज होगा और आपकी जो NPK है ये भी धीरे धीरे रिलीज होगी। यहाँ पे एक विशेष बात का ध्यान रखें, आप एक डायरी बना लें या आप किसी जगह पे नोट कर लें कि आपने किस दिन आपको इसको फर्टिलाइज किया था। 15 दिन में आपको एक बार इस प्रकार से फर्टिलाइज करना है। तो अगर आपके लोटस में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से फ्लावरिंग होगी जब ड्रेन आउट हो जाए। इस प्रकार से एक साइड में आपको गहरे से तक आपको वाली पुड़िया दबा देनी है।
हाथ गंदे होने के लिए न डरें, क्योंकि हाथ तो गंदे ही हो जाएंगे, लेकिन ये कि आपका लोटस जो है वो अच्छे से फर्टिलाइज हो जाएगा। दोनों पुड़ियों को अपोजिट साइड में आपको दबा देना है इस प्रकार से, तो इससे होगा कि धीरे धीरे करके 15 दिन में अच्छे तरीके से मिट्टी में रिलीज हो जाएगा। दोस्तों ये वाला जो आप देख रहे हैं टब, ये हाइब्रिड वाला लोटस है जो इसमें सबसे अच्छा चल रहा है, दोनों जो देसी लोटस हैं वो उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। दोस्तों देसी लोटस में कम से कम 4 से 5 साल तक मुझे ऐसा लगता है कि फ्लावरिंग में टाइम ले लेता है। जहाँ से हमने ये वाला लोटस मंगाया था वहाँ उन्होंने बताया था कि आपको 45 दिन में फ्लावरिंग मिल जाएगी, लेकिन अभी तक हम उम्मीद कर रहे हैं, अभी हमारे इसमें किसी प्रकार की कोई बड नहीं आई है। दोस्तों देखिए सड़ा हुआ ट्यूबर मिला हुआ है, तो ये ट्यूबर इस प्रकार से निकाल के फेंक देना चाहिए। आपको समय समय पर अपने लोटस को क्लीन करते रहना चाहिए और 15 दिन में एक बार पानी जरूर चेंज कर देना चाहिए, और उसके बाद में इस प्रकार से पाइप पुनः डाल के इसको ऊपर तक भर देना चाहिए। दोस्तों देखिए हम टब को पुनः फर्टिलाइज करके भरे दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी लोगों को धन्यवाद।